हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ पौंडा में मेरे कज़न के यहाँ। मेरे कज़न भाई की शादी है कल, आज हल्दी है, और मेरी बड़ी भाभी का करना है ड्रेपिंग, नवारी ड्रेपिंग और जस्ट सिंपल मेकअप और हेयर। तो हल्दी फंक्शन भी मुझे अटेंड करना था, तो शाम दोपहर में हल्दी है। अभी मॉर्निंग में अराउंड 9:30 बजे हैं, और सुबह में जब निकल रही थी तब वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और बहुत बारिश हो रही है। खुशी की बात है कि बारिश शुरू हो गई, कूलर है कल से। कल बहुत गर्मी थी यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं आज मेरी भाभी को तैयार करूँगी और बाद में हम लोग हल्दी का फंक्शन अटेंड करेंगे, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वो भाभी अभी तक बिजी है, तैयारी कर रही है। मेरी दूसरी भाभी का मैंने जस्ट हेयर स्टाइल किया है, जब तक मैं आ चुकी थी उन्होंने सारी ड्रेप किया है और ऑलरेडी थोड़ा सा अपना खुद का मेकअप कर लिया। सिर्फ हेयर स्टाइल मैंने किया है। मैं मिलाती हूँ मेरी भाभी से। ये है मेरी भाभी, हाय। और इनका मैंने हेयर किया है, सिंपल सा हेयर किया है बस, क्योंकि अभी वो ना दुल्हन के यहाँ जा रही है शगुन लेकर। जो मैं मेरी भाभी को तैयार करने वाली हूँ वो आ गई है, मैं मिलाती हूँ आपको। हाँ, ये है मेरी भाभी, और अभी इनको मैं तैयार करूँगी, क्योंकि शादी की जो भी रस्में होती है ना, मेन थिंग जो कपल करते हैं वो भैया और भाभी करेंगे, और छोटी भाई की शादी है। तो अभी इनको नवारी ड्रेप करना है, थोड़ा सा सिंपल मेकअप करना है, और है नवारी है इधर, अभी मैं शुरू कर रही हूँ, उनको पहनाऊँगी और बाद में आपको दिखाऊँगी मेकअप, ठीक है? तो बने रहिएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने अभी नवारी पहनाना शुरू कर दिया है। फास्ट फॉरवर्ड में ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी 10 बजे तो भटजी आने वाले हैं। बहुत ऑलरेडी टाइम जा रहा है, अगर भटजी आए और तैयार नहीं रहे तो उनको वेट करना पड़ेगा, इस बाद में आगे की रस्में भी लेट हो जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इनको सबसे पहले नवारी ड्रेप कर रही हूँ, उसके बाद में मेकअप हेयर करूँगी। और वीडियो भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि कोई फ्री है नहीं, और दूसरी बात अगर मुझे वीडियो लेना है तो फ़ैन वगैरह बंद करना और इस गर्मी में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा बारिश होके गया लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बार बार लाइट भी जा रही है। अब इनके हेयर को भी क्रिम करना है, तो लाइट अगर गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बस ये अभी इनका पीछे का, जिसको हम कोंकणी में कास कहते हैं, ये हो गया है। इसको कास कहते हैं, जो पीछे ऐसे बॉर्डर से लगाते हैं ना उसको। तो आगे से मैं इनको मस्तानी स्टाइल दूंगी, यानी कि जिगजैग प्लेटिंग करूंगी। नवारी के बहुत स्टाइल होते हैं, पेशवाई स्टाइल, ब्राह्मणी स्टाइल, मस्तानी स्टाइल, और एक होता है जो हम लोग पैरों के बीच में से ऐसे लेकर पल्लू देते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना। और नवारी ड्रेपिंग में अगर स्पेशल किसी को डिटेल में देखना है तो कमेंट करना, मैं डिटेल में दिखाऊंगी। अभी तो जल्दी जल्दी में मैं कर रही हूँ। फिर ये बॉर्डर लेके ऐसे ऊपर लगाते हैं, वहाँ पे जिगजैग प्लेटिंग करते हैं, बहुत सारे पिन्स लगाने पड़ते हैं और बाद में आयरन भी करना पड़ता है, लेकिन पॉसिबल होगा तो देखूँगी क्योंकि टाइम भी कम है, लाइट भी जा रही है बार बार। तो इस तरीके से पिन लगाते हैं, एक एक दो दो प्लीट्स लेकर जिगजैग स्टाइल आएगा ये, बाद में फिनिशिंग ना इसका जिगजैग दिखेगा, अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये होने के बाद ऑलमोस्ट नवारी ड्रेपिंग हो जाएगा, जल्दी से मेकअप करूँगी मैं उनका और बाद में हेयर, होप सो लाइट ना न जाए। तो हो गया है नवारी ड्रेपिंग इनका, मेकअप मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, करेक्टर लगाऊंगी, बाद में आगे का प्रोसीजर आपको पता ही होगा। करेक्टर के बाद कंसीलर, थोड़ा सा फिर फाउंडेशन, आई मेकअप, हल्का सा ब्लशर, हाइलाइटर, ये सब मैं करूंगी, आप बने रहिएगा। बहुत ही लाइट नेचुरल मेकअप इनको चाहिए, नेचुरल ही कर रही हूँ मैं, नेचुरल चाहिए, इसीलिए मैंने फाउंडेशन भी उनकी शेड का ही लगाया है, स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल लाइटर शेड नहीं लगाया है। थोड़ा सा ब्लशर, अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ, आई मेकअप भी बहुत ही लिमिटेड किया है। मेकअप फिक्सर से अब मैं मेकअप को सेट कर रही हूँ।
अभी इनका मेकअप हो गया है, नवारी ड्रेपिंग हो गया, अभी सिर्फ हेयर बचे हैं। ये देखिए बाल थोड़े से गीले हैं तो मैं ड्राई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सिंपल से बन टाइप हेयर स्टाइल करूँगी। बस 2 मिनट में अभी कंप्लीट हो रही है। मेरा बेटा वीडियो निकाल रहा है, उसने पकड़ा है मोबाइल, पूरी तरह से हिलाया होगा पता नहीं। मम्मा है तो वो ही ले लूँ, खूब बड़े दिसता आए सगे दाल तरी आनी बड़े दिसता ले कितने पीने आसा थे रहा था खुआ बड़े दिसता तो बड़े दिसने अंडे के फाइनल थे। पण ती तू गाठ कशी बांधा जाती आईन काढ एक आईन केला ऑरेंज ती बऱ्या बऱ्या रे बऱ्या बऱ्या रे बऱ्या। मेरा मेकअप हेयर और नवारी ड्रेपिंग हो गया है। ये देखिए भाभी रेडी है, बहुत सिंपल सा मेकअप किया है मैंने, सिंपल सा मेकअप किया है इनको, ज़्यादा नहीं किया है बस लाइट सा। और ये है इनका लुक नवारी में, नवारी ड्रेपिंग मैंने मस्तानी स्टाइल में की है इस तरह से, और बहुत ही टाइम कम है, मुझको आयन भी करने नहीं मिला नवारी को क्योंकि ऑलरेडी भटजी आ चुके हैं। टर्न गया भाभी, हाँ तो ये है इनका ओवरऑल लुक। कशी दिसले तुका बराला चढ़ जाओ ना मुझे ना जाए तो सुधर लो। ओके सो मैं हेयर आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ काट कर, ये देखिए बस मैसी बन किया है मैंने, और फ्रंट में थोड़ा सा क्रिम्पिंग करके इस तरह से प्लेट डाला है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा।